भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS खंडेरी शामिल होने जा रही है। 28 सितंबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS खंडेरी की कमिशनिंग खुद मुंबई में करेंगे। ये पनडुब्बी कुल 67.5 मीटर लंबी है, 12.3 मीटर ऊंची है और इसका कुल वजन 1565 टन का है। INS खंडेरी की पाइप फिटिंग कुल 11 किलोमीटर लंबी है और लगभग 60 किलोमीटर के केबल का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इस सबमरीन में बेहद हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है जो अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखता है। INS खंडेरी लगातार 45 डेज तक पानी में रह सकती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से यह रडार की पकड़ में नहीं आती और किसी भी मौसम में काम करने की क्षमता रखती है। INS खंडेरी में 360 बैटरी सेल का इस्तेमाल किया गया है। हर एक बैटरी सेल का वजन 750 किलो का है। इन्हीं बैटरियों के दम पर INS खंडेरी एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये सबमरीन 350 मीटर की गहराई में जाकर भी दुश्मन का पता लगा सकती है। खंडेरी सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये सबमरीन बिना पकड़ में आए अपने दुश्मन पर हमला कर सकती है। INS खंडेरी में दो पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं। इन टॉर्पीडो ट्यूब्स में एक बार में 12 टॉर्पीडोज को लोड किया जा सकता है। इसके साथ ही यह सबमरीन माइंस बिछा पाने में भी सक्षम है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। यह सबमरीन हर तरह के वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को बखूबी अंजाम दे सकती है। इस सबमरीन पर एक साथ 40 लोगों का क्रू काम कर सकता है जिनमें से 8 से 9 अफसर होते हैं। खंडेरी नाम अरब सागर में पाई जाने वाली एक कन्नेरी नाम की मछली से लिया गया है। इस मछली को दूर के शिकार को तलाश कर मारने के लिए जाना जाता है। भारतीय नौसेना की यह परंपरा रही है कि जिन एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स को रिटायर किया जाता है उनके नाम नए एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स को दिए जाते हैं। इससे पहले भी INS खंडेरी ने देश को अपनी सेवाएं दी हैं। इससे पहले INS खंडेरी को 1968 में कमीशन किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस सबमरीन को देश के पूर्वी बॉर्डर पर तैनात किया गया था और फिर 1989 में इसे डीकमीशन कर दिया गया था और अब इस सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी बिल्कुल यही नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इस सबमरीन पर आप अपने व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।